क्या भाग रही है भाई? तो गाइस क्या लें आप लोग के, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। तो आज हम एक बाइक की रिव्यू करने वाले जो कि फर्स्ट टाइम इन मुंबई आई है, वो है ज़ोंटिस जीके 350R जो इधर खड़ी है मेरे सामने इस वक्त। ये देखिए, एक काम करता हूँ ठीक है, पहले जाके इस बाइक की हम राइड लेके आते हैं, उस बारे में आपको स्पेक्स बता पाऊंगा। दिस जो कि फाइनली मुंबई में आ गई है बाइक, अभी तक ये ज़ोंटिस मोरिनी जो है सब बाइक सिर्फ पुणे में आई थी, अब ये इधर भी आ गई अपने मुंबई में जो कि है थाने में। देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है बाइक सही में, एकदम स्क्रैम्बलर जैसा लुक है इसका। और इसमें ये कीलेस है, देखो कैसे चालू हुआ ये बाइक, बहुत सही है ये। इसकी तो टी आर की अपनी टी आर के सामने खड़ी है, और ये इसकी कीलेस चाबी। चलो थोड़ा राइड करके देखते हैं मोरिनी को कि कैसे, सॉरी मोरिनी बोल रहा हूँ, ज़ोंटिस को कि ये कैसी परफॉर्म करती है। ये कौन सी बाइक है, जी के 350। ओके ऑन करते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी सही लगा मुझे। ओके क्लच दबा के चल रही होती है। ओके ये साइड इतना क्यों हिल रहा है भाई। ओहो काफी इसका जो है ना वो पिकअप वो बहुत मस्त है। एग्जॉस्ट नोट चेक करो यार बस। यार गाइस आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू राइड दिस बाइक ब्रो। और इसका राइडिंग पोजीशन मेरे को खराब नहीं लगा, आई मीन पैर पीछे है मेरे, पर जो मैं जो बैठा हूँ ना एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ, मतलब मैं आगे नहीं होके बैठा हूँ, पीछे होके नहीं बैठा हूँ, एकदम परफेक्ट बैठा हुआ हूँ। एग्जॉस्ट नोट देख लो काफी अच्छा है इसका। और हॉर्न तो एक्टिवा रेस है। इसका हॉर्न एक्टिवा रेस है। ओके इसका पासिंग लाइट का बटन देखो यार गाइस कितना मस्त बना है। नेक्स्ट लेवल। काफी मस्त भाग रही है भाई। इसका इधर ज़ोंटिस लिखा हुआ है, और ना इधर काफी सारे बटन्स वगैरह भी है जिसको हम समझते हैं थोड़ी देर में। और मैं आपको इसके बाइक के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि ये बाइक चलती कैसे है, कैसा सब होता है इसका। ब्रेक मारते हैं। ओहो हो हो क्या स्मूथ ब्रेक है, मजा आ गया। क्या भाग रही है, बहुत ही ब्रिलियंट बाइक है सही में, वो आपको बोल रहा हूँ। इसका पिकअप बहुत अच्छा है, ये एकदम हवा से बात कर रही है। मैं यूटर्न लेता हूँ और आपको धूप में ये बाइक थोड़ी दिखाता हूँ, है ना। तो ये हमारी जीके 300 बाइक है गाइस, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ ठीक है। मेरे को इस बाइक के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस पता नहीं है कि इसमें कितना सीसी इंजन है, 350 तो लिखा हुआ है ठीक है, बाकी टायर वगैरह देख लो, एग्जॉस्ट देख लो गाइस इसका क्या शेप है यार एग्जॉस्ट का, रेव करते थोड़ा। तो रेव करके काफ़ी सही आवाज़ आ रही है। इसके रिम्स देखो यार आप, भाई मैं तो फैन हो गया यार ज़ोंटिस का। तो मतलब अगर कोई कॉलेज जाने वाला लड़का है उसको शाइनिंग मारनी है तो भाई वो बाइक इसके लिए। और पीछे गर्लफ्रेंड भी बैठ सकती है, काफ़ी जगह है। और इधर है ना बहुत फ्यूल का है, ये फ्यूल का कैसे खुलेगा, ओके आई डोंट नो कैसे चलता है ये, मे बी इंजन बंद करके। ओके
तो इंजन बंद करके फ्यूल लैप खुलता है इसका। ये इधर अपना फ्यूल है, ये बंद। ओ वाओ, ये तो काफी सही बात है यार। और इधर मोड भी है बाइक में, ये देखो एवरेज 35 का दे रही है, रेंज 202 दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे। तो ये बाइक काफ़ी मस्त है। इसके हेडलाइट देखो, मतलब क्या क्या बना हुआ है हेडलाइट में इसके, ये देखो। और इसकी डिस्क ब्रेक देखो पूरी कैसी कवर्ड है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया मशीन है ये। अभी ना मैं थोड़ा काम करता हूँ, इसको शोरूम लेकर आते हैं अपन, ठीक है। और इसकी आपको थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ मैं खुद पढ़ के। और इसका खड्डों में भी है ना काफ़ी, मतलब बोलते ना अगर स्क्रैम्बलर बाइक है ये तो खड्डों में ऐसे झटके आएंगे, नहीं इसके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसमें आपको ना इतना खड्डे नहीं लगने वाले यार। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस विद दिस बाइक यार। और ABS भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसका। क्या परफॉर्म भाई, TR के कुछ भी नहीं है इसके सामने। आई मीन मतलब पिकअप वाइज बात करूं अगर मैं आपकी, तो काफ़ी अच्छा जो है ये बाइक परफॉर्म कर रही है, भाग रही एकदम मस्त स्मूथ। तो गाइस इधर अपनी Zontis खड़ी है, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इसके रिम्स देखो, इसका जो डिस्प्ले कवर है यार, ये कितना मस्त लग रहा है। गाइस आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, जस्ट लुक एट दिस बाइक, ये कितनी मस्त बाइक लग रही है। गाइस मैंने फाइनली गूगल करके इसके स्पेक्स पढ़ लिए, तो इस बाइक में है 348cc का इंजन, लिक्विड कूल इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 38 BHP ऑफ पावर एट 32 Nm ऑफ टॉर्क, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और गाइस ये जो टैंक देख रहे हो आप, ये 17 लीटर्स का टैंक है इसमें, आपको 17 लीटर्स एग्जैक्टली, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मेरी हिमालयन से ज़्यादा टैंक का इसमें कैपेसिटी है 17 लीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है यार। इसकी बाइक की हेडलाइट भी देखो कितनी अट्रैक्टिव है ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। और इसमें जो फीचर्स आते हैं, कीलेस, ये मैं आपको चाबी दिखाता हूँ इसकी, ये है इसकी चाबी जो कि कीलेस चालू होती है। अब अगर हम इस बाइक को ऑन करते हैं तो ये बाइक ऐसे ऑन होती है, आवाज़ आई, अब ये ऑन होगी। ओह गॉड यार, मैं तो फैन हो गया इस बाइक का भाई। अभी काम करते हैं ना, ये इसका जो फ्यूल लिड है ना, ये भी ऑटोमेटिक खुलता है, ये रहा फ्यूल, दिख रहा है आपको फ्यूल लिखा हुआ इधर, इसको क्लिक करते हैं। ओ वाओ, ये देखो ये कितना इजीली खुल गया था, ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, वाओ जस्ट वाओ, स्लोली स्लोली ओपन होता है। और ये कितना कूल फीचर है यार, ये बाइक को आपको सही में गेड़िया मारनी है एकदम शो ऑफ के लिए, बहुत सही बाइक है ये, मैं सबको बता रहा हूँ। ये देखो इसके DRLs देखो कितनी प्यारी लगती है बाइक यार, ये सही में। गाइस अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अपनी Zontis जो कि मुंबई में फर्स्ट टाइम आई अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस ब्यूटीफुल मशीन के लिए।